हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास नाइन्थ का। और इस क्लास नाइन्थ में हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो लेसन थर्ड है और जिसका नेम है हेल्थ एंड डिजीज। तो हेल्थ एंड डिजीज लेसन में हमने आपको बहुत सारे टॉपिक बताए हैं और लास्ट जो हम लोग का टॉपिक था वो था एंटीजन एंड वैक्सीन। एंटीजन एंड वैक्सीनेशन के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो एंटीजन तो कंप्लीट हो गया था, वैक्सीनेशन भी मैंने कंप्लीटली बता ही दिया था। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया की डिस्कवरी के बारे में, जो आपका डिजीज कॉज करता है अल्सर इन स्टमच। तो स्टमच में जो अल्सर कॉज करता है उस बैक्टीरिया के बारे में डिस्कवरी को हम लोग जानेंगे। उसके बाद वैक्सीन और किस तरीके से हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग किया जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये दो टॉपिक हम लोग का आज का होगा। तो फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा आपका डिस्कवरी ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी फॉर अ रीजन ऑफ अल्सर। तो चलिए अच्छी हम लोग स्टडी कर लें, डिस्कवरी ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एज रीजन ऑफ अल्सर, एज रीजन ऑफ अल्सर। तो आप बताओगे डिस्कवरी ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एज रीजन ऑफ अल्सर, जो रीजन होता है किसका अल्सर का, उसकी डिस्कवरी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसकी डिस्कवरी जो हुई है वो आपके जो टाइमिंग था वो था 2005। जो टाइमिंग था जिस टाइम इस डिजीज कॉजिंग एजेंट बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई वो टाइम था आपका 2005। और इस टाइम टू साइंटिस्ट ने, जिसमें से फर्स्ट थे जे मार्शल और सेकेंड जो साइंटिस्ट थे वो थे जे रॉबिन वैरन। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इस डिजीज की डिस्कवरी की और टाइमिंग जो था वो था आपका 2005। तो ये आप बताओगे, और इस वर्क के लिए इनको नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया। नोबेल प्राइज जो आप जानते हैं एक अवार्ड होता है जो आपके साइंस में जब भी कोई नई डिस्कवरी कोई भी करता है तो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस अवार्ड को दिया गया इन दोनों साइंटिस्ट को जिनका नाम था जे मार्शल एंड जे रॉबिन वैरन, और इन्होंने डिस्कवरी कर दी एक बैक्टीरिया की जो कौन सा डिजीज कॉज करता है अल्सर, जो एक तरीके से हम इसे पेप्टिक अल्सर के नेम से भी जानते हैं। आपके बुक में दिया है पेप्टिक अल्सर के बारे में, तो ये आप बताओगे। तो क्या होता है कि इस बैक्टीरिया की डिस्कवरी से पहले ऐसा बिलीव किया जाता था कि स्ट्रेस और हमारे लाइफ स्टाइल में होने वाली गड़बड़ी के कारण ही आप में पेप्टिक अल्सर नाम का डिजीज होता है। लेकिन जब इन दोनों साइंटिस्टों ने इस डिजीज कॉजिंग एजेंट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को डिस्कवरी किया, तब उन्होंने बताया कि
ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारे स्टमक जो होता है उस पर म्यूकस की लाइनिंग होती है, याद रखिएगा स्टमक पर म्यूकस की लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग को ये वीक कर देते हैं और वीक करने के कारण जो हमारे स्टमक में एसिड होता है ये एसिड अफेक्ट करने लगता है स्टमक वॉल पर, और स्टमक वॉल पर जब अफेक्ट करता है तो उस के कारण अल्सर कॉज हो जाता है, एक तरीके का उंद पहले कॉज होता है, ब्लीडिंग होने लगता है, वहां से कुछ टाइम के बाद वही अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इस डिजीज की डिस्कवरी हुई, सॉरी इस डिजीज के कॉजिंग एजेंट की डिस्कवरी हुई, और वो जो बैक्टीरिया था जो ये वर्क करता है वो बैक्टीरिया आपका कौन सा था, हेलिकोबैक्टर पायरी। तो आप अब बता सकते हो दिस डिजीज कॉजिंग एजेंट हेलिकोबैक्टर पायरी, आप बताओगे? मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया, अब आप इसमें लिख सकते हो दिस बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय टू साइंटिस्ट फर्स्ट इज यू नो जे मार्शल एंड सेकेंड इज जे रॉबिन वैरन इन 2005। ये आप बताओगे यह बैक्टीरिया जो था डिस्कवर किया गया टू साइंटिस्ट, दो वैज्ञानिकों के द्वारा, और पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नेम था जे मार्शल, और सेकेंड साइंटिस्ट जो थे उनका नेम था जे रॉबिन वैरन, और जो टाइमिंग था वो था आपका 2005। ये आप बताओ कंफर्म हो गया? इसके बाद आप बताओगे बिफोर दिस डिस्कवरी इट वाज बिलीव दैट पेप्टिक अल्सर कॉज ड्यू टू स्ट्रेस इन लाइफ स्टाइल। तो यहां पर मैंने लिखा है बिफोर दिस डिस्कवरी, इस खोज से पहले यह बिलीव किया जाता था कि पेप्टिक अल्सर जो कॉज होता है यह किसके कारण होता है, स्ट्रेस के कारण इन लाइफ स्टाइल में जो भी स्ट्रेस होता है उसके कारण पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। कंफर्म हो गया आपको? इसके बाद बताएंगे आफ्टर डिस्कवरी After discovery, it is clear that peptic ulcer caused by bacteria। ठीक है बेटा,
तो जब ये डिस्कवरी हो गई इसके बाद यह अब क्लियर हो गया कि जो पेप्टिक अल्सर होता है वो किसके कारण होता है, तो आप बता सकते हो यह बैक्टीरिया के कारण होता है एंड द बैक्टीरिया इज, और आगे बताएंगे आप ये बैक्टीरिया विच कॉज दिस डिजीज इज हेलिकोबैक्टर पायोरी। इसके बाद जब डिस्कवरी हो गई तो यह क्लियर हो गया कि जो पेप्टिक अल्सर होता है वो एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है, और वो बैक्टीरिया जो होता है बेटा उसका नेम होता है हेलिकोबैक्टर पायोरी। ये आप बताओगे, कन्फर्म हो गया। आगे लिखेंगे व्हेन दिस बैक्टीरिया infect the lining of mucus and the acid present in stomach cause wound and from this breathing start and lastly यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एंड लास्टली अल्सर और अंत में वो क्या कर देता है, अल्सर अंत में अल्सर हो जाता है। ठीक ना, तो आप बताओगे, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, यह बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करता है उसका नेम होता है हेलिकोबैक्टर, और जब यह बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है स्टमच में तो उस टाइम स्टमच जो होता है स्टमच में इट कॉज वीकेन द लाइनिंग ऑफ म्यूकस, म्यूकस की लाइनिंग को ये वीक कर देता है, और उसके कारण जो स्टमच में एसिड प्रेजेंट होता है वो उंड कॉज करता है, और उंड कॉज से वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट होता है और लास्ट में अल्सर हो जाता है। ये आपका होता है पेप्टिक अल्सर के केस में। तो मैं आशा करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है स्ट्रेथन, मतलब इंक्रीज द पावर ऑफ इम्यून सिस्टम इन एनी पर्सन बॉडी, किसी पर्सन के बॉडी में, किसी भी ह्यूमन के बॉडी में इस तरीके से उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग किया जाता है, वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो उस नेक्स्ट टॉपिक को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। ओके, थैंक यू।